खुद ही बनाते हैं। अच्छा खुद ही बनता है गाइस यहाँ पे बैटर, रोज फ्रेश बनता है बैटर। बंडी डोसा ही हैदराबाद स्ट्रीट फूड का फेमस स्पाइसी पेस्ट। अच्छा तो ये देखिए गाइस, ये आ गया हमारा भाई स्पाइसी पेस्ट। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है, एंड आप भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। पद्मनाभम में जीके वाली ब्रांच में खड़ा हूँ आज मैं इनकी। एंड ऊपर से आ गई हमारी चॉप प्याज, ये देखिए गाइस हमारा उपमा। यस तो ये उपमा भी खुद ही बनाया अभी, खुद ही बनाया। अच्छा ये आ गया हमारा गाइस उपमा। इसकी स्टफिंग में उपमा जाता है, प्याज जाती है चॉप। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और अब इसको जो है अच्छे से इसको भाई फैला देंगे हमारे भूसे के ऊपर, जिससे हर बाइट में टेस्ट आए उसका। और जो उन्होंने चटनी डाली है ना, तो वो भी जो है बहुत ही लाइक इनकी टेस्टी चटनी होती है। मसाला है बंडी डोसे का स्पेशल मसाला। अच्छा ये बंडी डोसे का स्पेशल मसाला है। ओके तो गाइस ये बंडी डोसा जो बन रहा है, इसको ऐसा हैदराबादी स्ट्रीट फूड भी कहा जाता है। लाइक हैदराबाद में इनके हॉट सेलिंग डोसा रहता है हमारा ये बंडी डोसा। तो जो आप आकर दिल्ली में भी इंजॉय कर सकते हो गाइस जीके के अंदर और जनपद वाली ब्रांच में पद्मनाभम की। और ये क्या जा रहा है उसमें शेफ? चीज। ये चला गया चीज जा चुकी है गाइस। ये देखिए अमूल की चीज। यस अमूल की मोज़रेला चीज। ये देखिए गाइस और करारा हो गया, और इसको टेस्ट करने में नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। तो चलिए मैं इसको अपने टेबल पे लेके चलता हूँ। ऊपर से आ गया हमारा भाई चॉप धनिया, और ये गया गाइस हमारा बटर फिर से। और ये हो गया गाइस हमारा डोसा तैयार, बैंडी डोसा। ये देखिए वाह। तो ये देखिए ये कौन सी चटनी है आपकी? ये टमाटर वाली चटनी है। तो ये है गाइस इनकी टमाटो वाली चटनी, एंड ये इनकी कोकोनट वाली चटनी। ये आपकी गाइस मैं साथ में कोकोनट की चटनी, और नीचे इन्होंने जो बनाना लीफ के ऊपर सर्व करते हैं ये। एंड ये कौन सी चटनी है लिखी आपने तीसरी वाली? कोरिएंडर चटनी। अच्छा कोरिएंडर चटनी है। ये अनियन चटनी है, और ये अनियन की चटनी आ गई साथ में, और ये टैमरिंड की चटनी। एंड साथ में आएगा गाइस थोड़ा सा ये अपनी चटनियों के ऊपर हल्का सा तड़का, और साथ में सांभर के साथ सर्व करते हैं ये देखिए। तो चलिए आपको मैं बाहर टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कैसा है टेस्ट में। तो ये देखिए गाइस ये आ गया हमारा बैंडी डोसा। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड चलिए मैं आपको इसको टेबल पर रखवाता हूँ, टेस्टिंग करके बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताऊँगा। इसका प्राइस है ₹275। तो ये देखिए गाइस बंडी डोसा आ चुका है हमारा, साथ में इन्होंने सांभर और अपनी 4 से 5 तरीके की चटनियाँ दी हैं जो ये खुद ही बनाते हैं। एंड ये देखिए गाइस क्या जन्नत लग रहा है ये डोसा हमारा बंडी डोसा, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मेरे को दिखने में। तो इसकी टेस्टिंग तो बनती है यार, ये देखिए। तो चलिए आपको मैं एक बाइट लिया और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है टेस्ट के अंदर। ये इनकी धनिया वाली चटनी, ये इनकी टोमेटो चटनी, और ये इनकी कोकोनट वाली चटनी, और ये ले लिए गाइस मैंने अपनी बाइट। तो चलिए आपको टेस्ट करके बताता हूँ। गाइस लिटरली ये डोसा सबसे अमेजिंग डोसा है यहाँ पर, टेस्ट में भी और वैसे भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा बैंडी डोसा। तो आप भी यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हैं डोसे को। ये टेल 28 फेब तक यहाँ पर अवेलेबल है इनके स्पेशल डोसाज के अंदर। एंड आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करी है, और लिटरली डोसा यम है काफ़ी। तो आप भी अगर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल @YMM इंडिया को फॉलो ज़रूर कर लें।